fault. एक और पार्ट आज मैं शूट कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट जो कि ड्राइविंग का है, हिल होल्ड के ऊपर। मतलब अगर चढ़ाई पे आप चढ़ा गाड़ी चढ़ा रहे हो, उतार रहे हो, कहने का मतलब स्लोप पे गाड़ी है तो वहां कैसे चलानी है। हिल होल्ड अगर गाड़ी में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हैंड ब्रेक यूज करके कैसे गाड़ी चढ़ानी है। हैंड ब्रेक भी अगर नहीं यूज करना है तो कैसे तरीका है, ठीक है। लेकिन एक प्रीरिक्विजिट है, आपकी क्लच और एक्सेलेरेटर के ऊपर आपको अच्छे से वो होनी चाहिए, प्रॉपर कमांड, ठीक है। मैं बार बार इस चीज के ऊपर फोकस करता हूँ, कमांड होनी चाहिए और वो जरूरी है, आपको पता लग जाएगी धीरे धीरे क्यों मैं इतना कहता हूँ, ठीक है। अब मैं गाड़ी को स्पेशली थोड़ा सा दूर लेके आया हूँ, चढ़ाई यहाँ पे, और यहाँ मैं चाह रहा था आपको मैं सिखा दूँ। सामने अभी देखिए कितना तगड़ा स्लोप है, और ये तो 3 टर्न है यहाँ पे, इसके ऊपर जाके और भी ज्यादा टर्न है, ज्यादा स्टीप, तो वो चीज मैं आपको दिखा दूँ। पहले मैं चाह रहा हूँ एक बार सराउंडिंग दिखा दो कि कितना स्लोप है और कहाँ से गाड़ी अभी नीचे से आई है। ये ऊपर की तरफ है, एकदम टर्न के ऊपर गाड़ी मैंने रोकी हुई है। ये सबसे क्रूशियल चीज़ होती है जब भी आप टर्न के ऊपर गाड़ी रोकते हो ना, क्योंकि आगे भी ट्रैफिक है, पीछे भी ट्रैफिक है, और टर्न के ऊपर गाड़ी पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू द फ्लैट रोड। टर्न के ऊपर इसीलिए दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मान लो आपको किसी भी वजह से गाड़ी रोकनी पड़ गई, अभी मेरे ब्रेक के ऊपर है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है गाड़ी का, ये प्रीरिक्विजिट है, हैंड ब्रेक ऑन, ब्रेक के ऊपर इमरजेंसी, इसके ऊपर चारों टायर में ब्रेक लगे होते हैं, ब्रेक है, हैंड ब्रेक ऑन। अब क्या करता है, ऑब्वियसली चढ़ाई पर अगर गाड़ी खड़ी है पहले गियर में पिक होगी, क्योंकि पहले गियर में सबसे ज्यादा टॉर्क पावर होती है इंजन के पास। अब क्लच दबा के पहला गियर लगा दिया, अब क्या होता है, मेरी गाड़ी में हिल होल्ड नहीं है, हैंड ब्रेक का मैं यूज़ करूँगा, एक भी सेंटीमीटर गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, थोड़ा सा रोड ही पड़ी है उसकी वजह से थोड़ा हो सकता है, बट होगा नहीं। अब क्या करना है, थोड़ा सा नज़दीक, अब क्या करना है, हैंड ब्रेक, मैंने हैंड ब्रेक को उठा लिया, मैं बटन इसका दबा के रखूंगा ताकि किसी मोमेंट अगर मुझे नीचा करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। हैंड ब्रेक मेरा तैयार है हटने के लिए, अब क्या करना है, मैं ब्रेक से पैर हटा दूंगा, हो गए। आप रेस देना, एक मोमेंट आएगी रेस, या ज़्यादा रेस देनी है, हैंड ब्रेक ऊपर है, ये वाला ब्रेक हट चुका है, रेस देना, क्लच छोड़ना, एक मोमेंट में ही देखिए गाड़ी आगे को थोड़ा हो रही है, क्योंकि हैंड ब्रेक से पीछे वाले टायर्स में है, आगे में नहीं है, रेस के साथ आगे वाले घूमेंगे, ये देखो आगे थोड़ा झटका ले रही है, तो जब ये मोमेंट आ जाए, गाड़ी थोड़ा सा झटका ले रही है, उस मोमेंट पे हैंड ब्रेक नीचे करते चले जाना, रेस देते चले जाना, क्लच छोड़ते चले जाना, तीनों चीज़ें एक साथ होंगी, ये आपकी एक्सपर्टीज बताती है। अब मैं कर रहा हूँ, अभी एक अंदर का व्यू मैं दिखा देता हूँ, बाहर से हो गया, अंदर से प्रॉपर पता लग जाएगा। एंड ये चीजें आपको ओवरनाइट नहीं आएगी, टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, ठीक है, बहुत क्रूशियल चीज होती है। अब मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने बाहर बताया, अभी चढ़ाई के ऊपर गाड़ी खड़ी है, न्यूट्रल खड़ी है, हैंड ब्रेक ऑन है, इमरजेंसी पेडल ब्रेक पे मेरा पैर है, ब्रेक दबे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको किसी वजह से गाड़ी रोकनी पड़ गई, ऑब्वियसली अब आप क्लच दबा के फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाओगे, गियर डल गया, हैंड ब्रेक को तैयार रखना है बटन दबा के, ताकि किसी भी मोमेंट आपको नीचा करना पड़े तो आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मत करना कि बटन दबा रहे हो फिर, ऐसा नहीं, हैंड ब्रेक तैयार। अब मैं इमरजेंसी ब्रेक पैडल से पैर हटा लिया, खाली हैंड ब्रेक के ऊपर अभी गाड़ी रुकी हुई है, रेस ज्यादा देनी है, एक मोमेंट पे जब दे देखिए अभी आगे जा रही है, ठीक है, आगे वाले टायर इसके जो है लाइव एक्सेल है, आगे वाले व्हील में रेस है, आगे जा रही है, तो जिस मोमेंट पे गाड़ी आगे को चलने लगे, क्लच रेस ज्यादा देना, क्लच छोड़ देना, हैंड ब्रेक नीचे करके ऊपर, ठीक है, ये तरीका होता है।
अभी तीसरा तरीका, एक था हिल होल्ड का अपनी गाड़ी में नहीं है, दूसरा हो गया हैंड ब्रेक के साथ, थर्ड आता है जो कि पहले यूज करते थे लेकिन अवॉइड करना चाहिए बिना हैंड ब्रेक के। अब क्या करना है, खाली इमरजेंसी ब्रेक के ऊपर गाड़ी रुकी है, क्लच दबाया, पहले गियर में गाड़ी शिफ्ट की, अभी हैंड ब्रेक का मैं यूज ही नहीं कर रहा, ठीक है, नीचे। अब क्या करना है, एक बार ब्रेक दबा के रखो, क्लच बिल्कुल धीरे धीरे छोड़नी है, ठीक है, गाड़ी स्टॉल करेगी, स्टॉल यानी आगे को मूव करने की कोशिश करेगी, झटके लगने की कोशिश करेगी, ठीक है, थोड़ा सा क्लच छोड़ोगे फील हो जाएगा, थोड़े से वाइब्रेशन क्रिएट करेगी क्योंकि टायर मूव करने की कोशिश करते हैं, ब्रेक उन्हें रोक रहा है, ठीक है। इस मोमेंट का वेट करना है, हाफ क्लच हो जाएगी लगभग, अब मेरी गाड़ी में वो पॉइंट आ चुका है, अब गाड़ी वाइब्रेशन ले रही है, मुझे फील हो गया। अब आपको क्या करना है, आपके मूवमेंट बहुत फास्ट होनी चाहिए ब्रेक वाले पैर की, ब्रेक से हटते तुरंत एक्सेलरेटर के ऊपर, ठीक है, ठीक है। ये मैंने ज्यादा एक्सेलरेट किया है, क्लच को थोड़ा सा धीरे धीरे छोड़ा है, अब मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कम रेस के साथ। एक्चुअली बारिश है, नीचे लूज ग्रेवल काफी है, रोडियन की वजह से गाड़ी थोड़ा सा स्क्रेच कर रही है, पर अदरवाइज करती नहीं है। दोबारा ब्रेक पेडल दबा लिया, क्लच दोनों दबे हुए, क्लच ब्रेक दोनों दबे हुए, अब क्या करना है, क्लच को थोड़ा छोड़ो, स्टॉल करेगी, बंद मत होने देना, अब ब्रेक से तुरंत पैर इधर स्विच कर जाएगा एक्सेलेटर के ऊपर, ठीक है, ऐसे। जैसे मैंने बताया कि फिसलन काफी है, इसकी वजह से गाड़ी कर रही है, अदरवाइज ये नहीं करेगी, ये एक तरीका होता है दूसरा, लेकिन इसे अवॉइड करना क्योंकि बिना हैंड ब्रेक के जब आप करते हो, स्टॉल करते हो, तो गियर्स की जो मैशिंग होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, वियर एंड टियर केसेस जनरेट हो जाते हैं, ये तरीका मत अपनाना, ऑलवेज यूज अ हैंड ब्रेक अगर हिल होल्ड इज नॉट प्रोवाइडेड इन योर कार, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा आया होगा कि कैसे गाड़ी को रिवर्स करना है हिल होल्ड के ऊपर, कभी भी नीचे लेके जा रहे हो न्यूट्रल मत लेके जाना, यूज इंजन ब्रेकिंग, मैं बिना इंजन ब्रेकिंग के लेके जा रहा हूं क्योंकि आप ये चीज नहीं सीख रहे हो, ठीक है, मुझे आती है, मैं गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूं कि अगर मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, इंजन ब्रेकिंग का यूज करो, अभी मैं दिखा देता हूं, अगर ढलान में गाड़ी पीछे लेके जानी है, ठीक है। अब मैं बता देता हूं, जब आप ढलान पे कंटिन्यूअसली ब्रेक पेडल दबा के रखते हो तो आपके ब्रेक पैड्स खराब होने के चांसेस होते हैं, जल्दी गिर जाएंगे, बर्न हो सकते हैं, आपको क्या करना है, टर्न के ऊपर हल्के से ब्रेक ले लो, अब मैं आपको दिखा देता हूं, पहले गियर में गाड़ी है, ठीक है, अब मैंने क्लच भी छोड़ दी, ब्रेक भी छोड़ दिए, मेरे दोनों पैर पीछे हैं लेकिन गाड़ी धीरे धीरे जा रही है, इसे कहते हैं इंजन ब्रेकिंग, टर्न आ गया, हल्के से ब्रेक ले लो, घूम गई, ब्रेक से पैर हटा दिए मैंने, ठीक है, हल्के से फिर से ब्रेक ले लिए, हटा दिया पैर, अब ना मेरे पैर क्लच के ऊपर है ना ब्रेक के ऊपर, ऐसी ये होती है इंजन ब्रेकिंग, जिसकी वजह से गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो सेफ रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आई होगी, कुछ डाउट्स हो तो शेयर